मित्रों, अभी केरल में एक और संघर्ष चल रहा है। आस्था, श्रद्धा, धर्म और शासन के दमन के बीच में संघर्ष चल रहा है। केरल की ये सरकार सबरीमाला मंदिर के अंदर जो श्रद्धालु, जो जनता अपनी आस्था के लिए संघर्ष कर रही है, उस पर दमन का कुचक्र चला रही है। एक कम्युनिस्ट सरकार कान खोलकर सुन ले, जिस प्रकार से भगवान अय्यप्पा के आस्थालुओं पर, इनके भक्तों पर दमन का कुचक्र चला रहे हो, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर के केरल के आस्थावान भक्तों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहे। मैं सरकारों को और कोर्ट भी जो आदेश करती है उनको कहना चाहता हूं, सरकारों ने और कोर्ट ने आदेश ऐसे करने चाहिए जिसका पालन हो सके, ऐसे आदेश नहीं करने चाहिए जो लोगों की आस्थाओं को तोड़ने का काम करे। मित्रों, आर्टिकल 14 की दुहाई दी जाती है, मैं पूछना चाहता हूं कि आर्टिकल 14 की दुहाई आप देते हो, आर्टिकल 25 और 26 में मेरे धर्म के अनुसार जीने का मुझे भी अधिकार है। एक फंडामेंटल राइट दूसरे फंडामेंटल राइट पे कैसे ओवर